अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, हम कक्षा चार में लेसन 7 दान का हिसाब का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने देखा था कि राज्य में अकाल पड़ता है और लोग राजा के पास मदद मांगने जाते हैं, लेकिन राजा मदद नहीं करता। उसके पास सहायता के लिए जाते हैं, लेकिन राजा उनकी मदद नहीं करता है। लोग भूखे प्यासे मर रहे होते हैं, फिर भी राजा वो अपने लिए खर्च करता है, लेकिन अपनी प्रजा को कुछ भी नहीं देता। फिर थोड़े समय के बाद एक सन्यासी वहाँ आता है और सन्यासी उनके पास भिक्षा मांगता है और राजा को कहता है कि मेरी भिक्षा लेने का एक नियम है, मैं प्रतिदिन दुगना लेता हूँ, यानी कि आज आपने 1 रुपया दिया तो कल 2 और तीसरे दिन 2 का 4, इसी तरह प्रतिदिन मुझे दुगना चाहिए। राजा वो बात मान लेता है और उनको भिक्षा देनी शुरू करते हैं। प्रतिदिन उनको भिक्षा दी जाती है। एक दिन उनका भंडारी मंत्री जी के पास आता है और मंत्री जी को कहता है कि ये जो भिक्षा देना है, वो दिन ब दिन उनका जो धन है वो काफ़ी निकला जा रहा है। तो इसी तरह वो 2 सप्ताह के बाद वो पूरा हिसाब देखकर वो मंत्री जी के पास जाता है भंडारी, और उनका जो हिसाब है वो हिसाब बताते हैं। फिर यह हिसाब देखकर मंत्री जी का चेहरा फीका पड़ जाता है। वो भंडारी के को कहते हैं कि आप पूरा हिसाब कर लो। भंडारी पूरा हिसाब करता है तो ये हिसाब का कागज देखकर मंत्री जी को चक्कर आते हैं। फिर वो राजा के पास जाते हैं और राजा भी वो हिसाब का कागज देखता है तो वो भी बेहोश हो जाते हैं। फिर सन्यासी को बुलाते हैं और सन्यासी को बुलाने के बाद उनसे बातचीत होती है और उनके बाद सन्यासी राजकोष में से 50,000 रुपया ले भिक्षा में लेता है। तो बच्चों, इसी तरह अगर राजा प्रजा का पालक होता है, लेकिन यदि राजा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है तो उसको सबक सिखाना और समझदारी से उससे पैसा निकालना या काम निकालना चाहिए, वो हमें यहाँ बताया गया है। तो बच्चों, चलो हम उनकी एक्सरसाइज का लेसन 7 की एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं शब्दार्थ। क्या देखते हैं? शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। लकडक, भड़कीले चटकीले, सत्कार सम्मान, खबर समाचार, पीड़ित दुखी, नामी मशहूर या सुप्रसिद्ध, उपदेश देना प्रवचन देना, हुक्म आदेश, उपस्थित मौजूद, नुकसान खोट, दिवालिया नुकसान होना, गुहार पुकार, प्रकोप आफत, भिक्षा भीख, प्रसिद्ध नामी। तो बच्चों, इसी तरह हम शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। बच्चों, फिर से एक बार हम ये शब्दार्थ देखते हैं। लकडक, भड़कीले चटकीले, सत्कार सम्मान, खबर समाचार, पीड़ित दुखी, नामी मशहूर सुप्रसिद्ध, उपदेश देना प्रवचन देना, हुक्म आदेश, उपस्थित मौजूद, नुकसान खोट, दिवालिया नुकसान होना, गुहार पुकार, प्रकोप आफत, भिक्षा भीख, प्रसिद्ध नामी। अब बच्चों आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर। यहाँ हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला हम देखते हैं राज्य के लोग राजा के पास क्यों गए थे। बच्चों, हमें पता है, हम आगे के वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और अभी मैंने आपको बताया क्यों राज्य के लोग राजा के पास सहाय मांगने जाते हैं, क्यों जाते हैं राजा के पास। क्या होता है? अकाल पड़ता है। क्या होता है? राज्य में अकाल होता है और अकाल के कारण लोग भूखे प्यासे मर रहे होते हैं, इसीलिए राजा के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर हम लिखेंगे, राज्य के लोग अकाल के कारण भूखे प्यासे मर रहे थे तो राजा के पास सहायता मांगने गए थे।
राज्यसभा में कौन कौन से लोग नहीं आते थे और क्यों? यहाँ दो प्रश्न पूछे गए थे हैं हमें, क्यों लोग क्यों नहीं आते और क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते उसके बारे में हमें बताना है। राज्यसभा में गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन लोग नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वहाँ पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। तो राज्यसभा में गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन लोग नहीं आते थे क्योंकि वहाँ उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। भंडारी हड़बड़ाता हुआ किसके पास गया? वेरी गुड, भंडारी हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास गया। जैसे हमने अभी पढ़ा, हमने आगे भी वीडियो में पढ़ा था और अभी भी देखा कि भंडारी हड़बड़ाता हुआ मंत्री जी के पास जाता है। मंत्री जी को चक्कर क्यों आ गया था? क्यों आ गया था मंत्री जी को चक्कर? भंडारी ने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया, वह हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सन्यासी ने राजा को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा? सन्यासी ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दे। वो सन्यासी राजा को आशीर्वाद देता है और कहता है कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ तो आप इस सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दो। राजा किसी को भी दान देना क्यों नहीं चाहता था? राजा किसी को भी दान देना क्यों नहीं चाहता था? राजा किसी को भी दान देना नहीं चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। वह क्या था? कंजूस था, इसीलिए वो किसी को भी दान देना नहीं चाहता था। तो बच्चों इसी तरह हम प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों, सही और गलत का निशान लगाइए। जो कथन सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है, जो कथन गलत है उसके सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। राजा दिल खोलकर दान दिया करता था, तो क्या आएगा बच्चों? रॉन्ग। क्या आएगा? रॉन्ग, क्योंकि राजा बहुत कंजूस था। जैसे हमने अभी पढ़ा कि वह कंजूस था इसीलिए वो किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। तो राजा दिल खुलकर दान दिया करता था, क्या होगा? रॉन्ग। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। क्या आएगा बच्चों? राइट। क्या होगा? राइट, क्योंकि अकाल पड़ा था और अकाल के कारण लोग भूखे प्यासे मरने लगे थे, तो वो क्या होगा? राइट होगा। दूत ने राजा से अधिक धन की मांग की थी, तो दूत ने राजा से अधिक धन की मांग की थी। रॉन्ग आएगा बच्चों। क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। सन्यासी जानता था कि राजा और राजदरबारी मूर्ख है, तो क्या आएगा बच्चों? राइट। क्या आएगा? राइट। राजा, मंत्री और भंडारी को सन्यासी का भय लगने लगा था, तो वो क्या आएगा बच्चों? राइट। क्या होगा? राइट। दूत ने राजा को स्वयं पर बहुत अधिक धन खर्च करने वाला कहा था, तो बच्चों ये क्या आएगा? राइट होगा। ये क्या होगा? राइट। तो इसी तरह हम राइट, रॉन्ग, सही और गलत का निशान लगा सकते हैं। बच्चों फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। राजा दिल खुलकर दान दिया करता था। रॉन्ग। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। सही। दूत ने राजा से अधिक धन की मांग की थी। क्या होगा? गलत। सन्यासी राजा जानता था कि राजा और राजदरबारी मूर्ख है। राइट। राजा, मंत्री और भंडारी को सन्यासी का भय लगने लगा था। राइट। दूत ने राजा को स्वयं पर बहुत अधिक धन खर्च करने वाला कहा था, तो राइट। अब आगे देखते हैं बच्चों, वाक्य बनाइए। क्या देखते हैं? वाक्य बनाइए। सबसे पहला है दरबारी। क्या है? दरबारी। राज्यसभा में नामी लोग और दरबारी भी थे। तो बच्चों हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, तुम अपने आप भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बुक का ही हमें लिखना है, हम अपने आप भी वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ है दरबारी, राज्यसभा में नामी लोग और दरबारी भी
थी। अकाल, देश में एक बार अकाल पड़ा था। राज्यसभा, एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। तो बच्चों इसी तरह हमें जो शब्द दिया है वो शब्दों को देखकर और वो शब्दों का यूज कर हमें वाक्य बनाना है। तो बच्चों फिर से हम वे वाक्य बनाइए देखते हैं। दरबारी, राज्यसभा में नामी लोग और दरबारी भी थे। अकाल, देश में एक बार अकाल पड़ा था। राज्यसभा, एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। अब बच्चों आगे देखते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ विलोम शब्द, जिसको हम विलोम शब्द कहते हैं, अपोजिट वर्ड कहते हैं, तो वो हमें लिखना है। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है गरीब। तो बच्चों क्या होगा? अमीर। गरीब का क्या होगा? अमीर। दुखी, तो दुखी का क्या होगा बच्चों? सुखी। क्या होगा? सुखी। विद्वान, तो विद्वान का क्या होगा बच्चों? मूर्ख। क्या होगा? मूर्ख। सज्जन, सज्जन का क्या होगा बच्चों? दुर्जन। क्या होगा? दुर्जन। धनी, निर्धन। पूरा, अधूरा। पर्याप्त, अपर्याप्त। बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि जो हमें शब्द दिया है उसके आगे अ लगाने से वो शब्द विलोम बन जाता है, वो शब्द विलोम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके आगे हम अ लगाएंगे तो वो अपोजिट विलोम शब्द बन जाते हैं। तो यहाँ दिया है पर्याप्त, तो पर्याप्त का हम क्या लिखेंगे? अपर्याप्त। क्या होगा बच्चों? अपर्याप्त। निराशा, निराशा का क्या होगा? आशा। निराशा का आशा। अधिक, अधिक का क्या होगा? कम। मुश्किल, मुश्किल का क्या होगा? सरल या आसान। हम कोई भी लिख सकते हैं, सरल भी लिख सकते हैं और आसान भी लिख सकते हैं। छोटे बड़े क्या होगा बच्चों? छोटे बड़े। असली, नकली। उपस्थित, अनुपस्थित। फिर से देखते हैं बच्चों, यहाँ अ लगाने से वो शब्द विलोम बन जाता है। नुकसान, नफा। खर्च, बचत। तो बच्चों इसी तरह हम विपरीत अर्थ वाले शब्द लिख सकते हैं। फिर से बच्चों हम एक बार उसको रीड करते हैं। गरीब, अमीर। दुखी, सुखी। विद्वान, मूर्ख। सज्जन, दुर्जन। धनी, निर्धन। पूरा, अधूरा। पर्याप्त, अपर्याप्त। निराशा, आशा। अधिक, कम। मुश्किल, सरल। छोटे, बड़े। असली, नकली। उपस्थित, अनुपस्थित। नुकसान, नफा। खर्च, बचत। तो बच्चों इसी तरह हम विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द लिख सकते हैं। अगर हमें पूछा जाता है अमीर तो हम क्या लिख सकते हैं? गरीब। सुखी तो दुखी लिख सकते हैं। अगर नफा है तो नुकसान लिख सकते हैं। आशा है निराशा। सरल का मुश्किल। नकली, असली। मूर्ख, विद्वान। अधूरा, पूरा। अपर्याप्त, पर्याप्त। नकली, असली। बड़ा, छोटा। बचत, खर्च। इसी तरह हम अलग अलग विपरीत अर्थ वाले शब्द लिख सकते हैं। हमें यहाँ उसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो लिखना होता है। तो बच्चों इसी तरह हम विपरीत अर्थ वाले शब्द लिख सकते हैं। तो बच्चों हम ये जो प्रश्नों के उत्तर, वाक्य बनाइए, सही और गलत, विलोम शब्द, तो इसी तरह ये जो पूरा स्वाध्याय है वो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप बच्चों ये जो पूरा स्वाध्याय है का जो हमने अभी अभ्यास किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप भी अपना CW वर्क कंप्लीट करना और उसमें ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना
और ये जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से करना। आई होप बच्चों आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। आप अपनी खेलकूद और पढ़ाई लिखाई अच्छे से, खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना। थैंक यू, धन्यवाद।